हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रतो और आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप सिनेमैटिक वीडियोस कैसे बना सकते हैं बहुत ही ईजीली। और इसका रिक्वायरमेंट वैसा तो कुछ है नहीं, बट आपके पास एक कैमरा होना चाहिए या तो एक फ़ोन होना चाहिए या कोई भी डिवाइस जिससे आप रिकॉर्ड कर सके, और हो सके तो उसमें हायर FPS रिकॉर्ड होने का ऑप्शन होना चाहिए तो उसमें बेटर रहेगा, क्योंकि हायर FPS के साथ हम लोग ज़्यादा खेल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इट स्लो मोशन एंड सिनेमैटिक। सो ये थे कुछ रिक्वायरमेंट्स। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं शूट करता हूँ वीडियोस टू मेक देम सिनेमैटिक। सो लेट्स गो। फर्स्ट टाइम मैं ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं कैसा आ रहा है, बट देख लीजिए व्यू 16mm में कैसा आता है। और ऐसे मैंने इसको एक हाथ से पूरा सीधा स्ट्रेच करके पकड़ा हुआ है। आई होप क्वालिटी अच्छा होगा। सो अगर आप करेंगे फ़ोन से शूट, आपको फ़ोन में कैमरा ऐप खोलना है और यहाँ पर जाना है सेटिंग्स में। यहाँ पे आपको 1080p 60fps दिखेगा, उसको सिलेक्ट करना है। अगर आपके फ़ोन में 4K 60fps है तो और भी अच्छा है, बट मेरे में लिमिटेड है 1080p 60fps। दिखा सकूँगा कि नहीं पता, बट या 4K तो नहीं है, 1080p 60fps रिकॉर्ड करना है हमें। सो आपको ऐसे रिकॉर्ड स्टार्ट करना है और धीरे धीरे स्लोली आगे ऐसे मूवमेंट करना है। अगर आपको वर्टिकल वीडियो शूट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। और एक मूवमेंट ये भी हो सकता है लेफ्ट टू राइट। और कैमरा के साथ अगर आपको ये करना है तो कैमरा के साथ भी प्रोसीजर सेम है, मैं आपको कैमरा के साथ करके भी दिखा देता हूँ। कैमरा के साथ आप बहुत सारे इनोवेटिव शॉट्स ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना क्रिएटिव हो सकते हो शॉट के साथ। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा दूंगा अभी। सो अगर आपको कैमरा से लेना है तो सेम प्रोसीजर है जैसे मैंने बोला, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको रिकॉर्ड करना है। सो मेरे कैमरा में ऑप्शन है 1080p 120fps रिकॉर्ड करने का, तो मैं उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता हूँ। तो आपको जस्ट ऐसे लेना है कैमरा और कोई भी सब्जेक्ट जिसको आपको रिकॉर्ड करना है। पहले थोड़ा सेटिंग कर लूँ। सो आपको जस्ट ऐसे धीरे धीरे मूवमेंट करना है, मतलब बहुत ही स्लो मूवमेंट करना है। और आप इसमें वो सर्कुलर टाइप का वॉर्टेक्स जो मोड होता है गिम्बल्स में, वो भी ले सकते हैं ऐसे। और फिर अपना लेफ्ट टू राइट तो है ही। सो इसको सिनेमैटिक बनाने के लिए क्या करना है वो अभी मैं दिखाऊंगा आपको पीसी में, तो चलते हैं पीसी की तरफ। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रीमियर प्रो खोल लिया है और यहाँ पे मैं एडिट करने वाला हूँ। तो सिनेमैटिक बनाने के लिए पहले तो आपको हायर FPS में रिकॉर्ड करना है। अगर आपने हायर FPS रिकॉर्ड भी नहीं किया तो आप ये सेम स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, एक चेंजेस आएगा खाली, मैं वो बता दूंगा। सो यहाँ पे पहले फ़ोन वाले फुटेज को देख लेते हैं। सो ये हमारा फ़ोन वाला फुटेज। सो यहाँ से लूँगा इसको और यहाँ तक, ये थोड़ा शेकी ज़्यादा है, तो आपको बहुत स्टेबल शॉट लेना है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। सो यहाँ पे आपको ऐसे कट कर लेना है अपनी क्लिप को अपने हिसाब से, और यहाँ पे स्पीड एंड ड्यूरेशन में जाना है। सो ये एक 60fps क्लिप है, तो इसको हम लोग 30fps तक स्लो डाउन कर सकते हैं। सो 50% ऑफ 60fps इज 30fps। तो ये हमारा यहाँ पे स्लो मोशन हो चुका है, बट मैंने जल्दी जल्दी में थोड़ा शेकी फुटेज रिकॉर्ड कर लिया, तो सो यहाँ पे वॉप स्टेबिलाइजर यूज़ करने में प्रॉब्लम होगा। बट एनीवे यहाँ पे आपको स्पीड लो करने के बाद आपको नेस्ट करना है, ओके पे दबा देना है, फिर आपको वॉब स्टेबिलाइजर पे क्लिक करना है। सो आप देख सकते हैं थोड़ा वॉबली इफेक्ट आ चुका है इसमें। अगर आपको ऐसे वॉबल फुटेज नहीं चाहिए तो आपको बहुत स्टेबल होना पड़ेगा। बट एनीवे यहाँ पे वर्टिकल क्लिप, इसको भी कर लेते हैं एडिट। और अगर आपका वीडियो 60fps वाला नहीं है तो आपको यहाँ पे स्पीड एंड ड्यूरेशन में जाना है और ऑप्टिकल फ्लो सिलेक्ट करना है, तो उससे आपका वीडियो जितना भी FPS का हो तो वो दिखने में थोड़ा बहुत सही हो जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपको सिनेमैटिक बनाना है वीडियोस को। पहला स्टेप तो है कि आपको हायर FPS में रिकॉर्ड करना है अगर वो ऑप्शन है तो,
नेक्स्ट इज गोइंग टू अ वीडियो एडिटर एंड स्लो इट डाउन। सो स्टैटिक शॉट्स से ज़्यादा आपको डायनामिक शॉट्स लेने हैं, मतलब जिन शॉट्स में कुछ मूवमेंट हो, जैसे कि स्लाइट मूवमेंट टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट लेफ्ट टू राइट, तो ये सब शॉट्स बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर डालेंगे और इसको थोड़ा कलर ग्रेड करेंगे। सो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं बहुत डिफरेंट टाइप्स के सेटिंग्स हैं, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे, हाइलाइट्स को थोड़ा डिक्रीज और सैचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे। और यहाँ पे HSL सेकेंडरी जो है उसको लेंगे और ग्रीन को थोड़ा चेंज करेंगे, ग्रीन के ह्यू के साथ खेलेंगे थोड़ा। इस स्लाइडर को यूज़ करके आप ग्रीन का ह्यू चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग LUT भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक कलर प्रोफाइल होता है। सो आप यहाँ पे कोई भी LUT यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक ये वाला अच्छा लग रहा है इस पर। सो ये तो हो गया फ़ोन वाले वीडियोस को सिनेमैटिक बनाना। अब कैमरे वाले फुटेज को भी सेम तरीके से एडिट करेंगे। प्रोसीजर दोनों का ही सेम है, खाली आपको वीडियो बनाते वक्त ये दिमाग में रखना होगा कि स्टैटिक शॉट्स से ज़्यादा आपको डायनामिक शॉट्स लेने हैं, जिसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट हो, और आपको बहुत स्टेबल शॉट्स लेना होगा, क्योंकि अगर वो फुटेज बहुत शेकी होगा तो वो स्टेबिलाइजर भी कुछ नहीं कर सकता इसमें। सो ये आपको दिमाग में रखना है। सो यहाँ पे एक रफ एडिटिंग मैं करूँगा इसका। सो ये वीडियो 120 FPS में लिया था मैंने। मैं आपको प्रॉपर्टीज़ में दिखा देता हूँ, जितना हायर FPS होगा उतना ज़्यादा सही रहता है। तो देख सकते हैं आप 120 FPS का वीडियो है ये। सो इसको हम लोग और भी ज़्यादा स्लो कर सकते हैं। यहाँ पे स्पीड एंड ड्यूरेशन में हम इसको 25 तक ले जा सकते हैं। 25% ऑफ 120 इज 30 FPS, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सो और भी इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं इस वीडियो को। सो इसको इतना ले लेते हैं, फिर इसको 25% कर देंगे। सो अब इन सबको नेस्ट करना है हमें, और उसके बाद लगा देंगे वॉर्प स्टेबिलाइजर। मेरा PC भी पुराना हो चुका है, इसे भी अभी टाइम लगता है। One eternity later. So यहाँ पे हमारे चारों क्लिप्स स्टेबिलाइज हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट लेयर डालने वाला हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, जो एक वीडियो को सिनेमैटिक डिफाइन करता है वो है ये क्रॉप। सो ऊपर से और नीचे से आपको 8% तक, मिनिमम 8% क्रॉप आपको करना है, तो ये बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक लगता है। और अब इसमें हम लोग कलर एडजस्टमेंट करने वाले हैं। सो यहाँ मैंने कुछ LUTs इंपोर्ट कर लिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कलर प्रोफाइल्स आ चुके हैं हमारे पास। तो एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे। सो ये पीटर मैकिनन वाला बहुत अच्छा लगता है। सो हमारा वीडियो हो चुका है रेडी, इसको एक बार देख लेते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ मोशन और बहुत ही सिनेमैटिक लग रहा है ये वीडियो। सो वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको दिखाया कि वीडियोस कैसे रिकॉर्ड करते हैं, वैसे अगर आप वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे तो बाद में आपको ऐसे एडिटिंग करने में बहुत इजी होगा और आपका वीडियो बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही कॉन्टेंट देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।